आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमें यहाँ पे क्वेश्चन देके रखा है, व्हेन डू वी से दैट ऑब्जेक्ट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कब हम कोई ऑब्जेक्ट को नेगेटिवली चार्ज्ड कह सकते। तो पहले हमें पता करना होगा ऑब्जेक्ट किससे बनते हैं। तो सारे जो ऑब्जेक्ट हम दिखते वो एटम से बने होते। एवरी ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ एटम, मेड अप ऑफ एटम्स। अब हमने एक यहाँ से यहाँ पे एटम का स्ट्रक्चर ले लिया, अब वहाँ से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले बात हम ये समझ ले, एटम जो होते हैं इसका कंपोनेंट क्या होता है। तो कंपोनेंट्स को अगर देखें हम, तो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते, एटम्स में प्रोटॉन्स होते और एटम्स में क्या होते, न्यूट्रॉन्स भी होते। अब हम सबका चार्ज देख लेंगे, कौन कैसा चार्ज का होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन्स जो होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज का होता है और न्यूट्रॉन जो होता है ये न्यूट्रल होता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं रहता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है ये एटम के न्यूक्लियस में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये अराउंड, मतलब एटम के अराउंड या पास में रिवॉल्व करते। हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा ऐसे ऑर्बिट के पास में, एटम के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि नेगेटिवली चार्ज्ड कोई ऑब्जेक्ट को हम कब कह सकते। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे O16 का, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और मास नंबर होता है 16। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 प्रोटॉन होते हैं और दोनों मिलके इसका मास नंबर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमको पता है इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, इसलिए इसका जो चार्ज होगा ये होगा -8 और प्रोटॉन जो होगा ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, इसलिए इसका चार्ज होगा +8। तो नेट चार्ज जो आएगा इसका ये हो जाएगा -8 और +8, मतलब 0। अगर हम नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेके समझेंगे जो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज्ड है, जैसे हमने ले लिया ऑक्सीजन माइनस, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि 8 तो ऐसे ही था ऑक्सीजन एटम में और एक नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हमने ऐड कर लिया, 9 इलेक्ट्रॉन से और यहाँ पे 8 प्रोटॉन से। तो अब हम यहाँ पे अगर चार्ज कैलकुलेट करने जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का -1 चार्ज होता है तो 9 × -1 -9 हो जाएगा और प्रोटॉन का प्लस चार्ज होता है तो 8 × +1 +8 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम नेट चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा कि -9 + 8, तो इसका मतलब होगा -1। मतलब ये देख पा रहे ये जो चार्ज है, मतलब ये जो एटम है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो हम ये कब कह सकते, तो ये हम तभी कह सकते व्हेन इन एनी एटम देयर्स गेनिंग ऑफ एनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। मतलब जब भी कोई एटम में कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए या गेन हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, ये नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते ये नेगेटिवली चार्ज होते। जनरली एटम्स न्यूट्रल रहते हैं, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा। तो यही होगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।